हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सिन्हा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में अभिषेक सिन्हा प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। तो ये C++ के सीरीज का ये 9th क्लास है, जिसमें हम पार्ट 2 इसका आज देखेंगे। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो आपको टॉपिक दिख रहा है, इसका मैंने एक वीडियो पहले से बना के रखा हुआ है, तो आई होप आप उस वीडियो को पहले से देख चुके होंगे। अगर आप नहीं देखे तो पहले आप उस वीडियो को देख लें, तब आप इस वीडियो पे आए तो आपको कॉन्सेप्ट पे अच्छी पकड़ होगी। ओके, तो ये जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, जो आपको डबल कोलोन का सिंबल दिख रहा है, सी में हमने बस एक कोलोन देखा था, यहाँ डबल कोलोन है जिसे हम बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ओके, तो वहाँ हम क्लास 8 में हम एक यूज स्कोप रेजोल्यूशन का देख चुके हैं। वो यूज क्या है? ग्लोबल और लोकल को एक साथ किसी फंक्शन में यूज करने का। ओके, आज हमारा नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि नई क्लास है तो इसमें हम बात करेंगे। आज जो मैंने ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, स्कोप रिलेशन को ऊपर लिखा, स्कोप रिलेशन ऑपरेटर यूज टू डिफाइन मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास। हम मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन कैसे करते हैं उसे आज समझाएंगे। क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने समझा है जो क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? यस, इनलाइन होते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है बार बार कि जो क्लास के अंदर जो फंक्शन होते हैं वो बाय डिफॉल्ट किस नेचर के होते हैं? तो इनलाइन नेचर के होते हैं। हम अब क्लास के बाहर यानी क्लास के अंदर के मेंबर फंक्शन क्या, जैसे में गेट बनाते थे हम लोग, ठीक है, सो बनाते थे हम लोग, हमने पिछले क्लास में बनाकर वो दिखाया है, तो वो सभी जो हम क्लास के अंदर डिफाइन करते थे सब कुछ कैसे वर्क करता है, अब उसको हम क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे और उस केस में हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम अपने आईडी पे प्रैक्टिकल वर्क। हमने 9 क्लास के लिए अपना ये फाइल खोल कर रखा हुआ है। सबसे पहले हम अपने फाइल में हेडर फाइल इंक्लूड करें। ओके, चलिए हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हम हेडर फाइल इंक्लूड कर लिए हैं। अब हम एक क्लास बनाते हैं। मैं स्क्रीन पॉज कर करके आपको बता रहा हूँ, टाइम आपको जाना लगे। तो यहाँ हमने क्लास डिफाइन कर लिया है। देखिए मैंने यहाँ लिखा है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। इसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख लें एक्सेस स्पेसिफायर का, वहाँ क्लियर हो जाएंगे। प्राइवेट एक्सेस फायर है, उसके बाद मैंने 3 डेटा को रखने के लिए लिए है वेरिएबल। रॉल लिया है इंट में, नेम कैर में लिया है और एज इंट में लिए है, ठीक। ये एरे बनाया हूँ मैं नेम के लिए। उसके बाद पब्लिक एक्सेस फायर लिया है, क्योंकि मुझे फंक्शन को क्लास के बाहर ऑपरेट करना है तो मैंने 2 फंक्शन लिए हैं, गेट और सो। ये देखिए इस दोनों को बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। मैं क्लास के अंदर बस डिक्लेरेशन कर रहा हूँ, इसका डेफिनेशन मुझे क्या क्लास के बाहर करना है। अभी तक हमने पढ़ा था कि इसी के अंदर में हम यानी क्लास के अंदर में ही हम इसे डिफाइन कर देते, गेट के अंदर ही मैं हर कुछ करा था। अब इसे क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करना उसे देखना है। चलिए देखते हैं, डिफाइन मैं कर रहा हूँ। देखिए ये void, उसका स्टूडेंट मैंने लिखा, स्टूडेंट एक क्लास नेम है। उसके बाद ये इसको रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखा और क्लास नेम, यानी ये डिफाइन करने के लिए ऐसे हम सिंटेक्स लिखते हैं, यानी void रिटर्न टाइप और मेरा फंक्शन नेम यहाँ है। इन दोनों के बीच में हम ये बताते हैं कि ये किस फंक्शन का मेंबर है। तो ये स्टूडेंट क्या है, एक क्लास है, स्टूडेंट क्लास का, जो मैंने यहाँ स्टूडेंट क्लास का ये मेंबर है, और इसको स्कोप रिलेशन ऑपरेटर से बता रहा हूँ कि यहाँ इस क्लास का मेंबर है, ठीक। इसको इस तरीके से हम लिखते हैं, यानी void क्लास नेम, स्कोप रिलेशन ऑपरेटर और फंक्शन नेम। ओके, अब इसका अंदर आपको जो डिफाइन करना है आप डिफाइन कर सकते हैं। मैं डिफाइन कर रहा हूँ यूजर को, ये दो यूजर को मैंने सी और सी इन्फॉर्मेशन दिया कि इंटर रोल नेम, सॉरी रोल नेम एंड दो बार रोल लिखा गया है, सॉरी फॉर मिस्टेक, रोल नेम एंड एज। रोल नेम एंड एज इनपुट करना है, मैंने ये लिखा है। अब यूजर से मैं लूँगा, तो रोल ले रहा हूँ मैं सीन में, और मैं एक्चुअली बताता हूँ रोल तो ले लिया, नेम लिखने के लिए मैं आपको अलग फंक्शन बताता हूँ। देखिए हम एक्चुअल में सीन से जो नेम लेते हैं वो नेम पूरा पूरी, जैसे मेरा नाम है अभिषेक सिन्हा, तो वो अभिषेक लेगा सिन्हा को नहीं लेगा। मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर सी इन में अगर आप इनपुट लेते हैं पूरा पूरी नाम मेरा अभिषेक स्पेस सिन्हा, तो सिर्फ अभिषेक को लेगा, सिन्हा को नहीं लेगा। मुझे चाहता हूँ कि सर नेम
भी साथ साथ आए, मेरा टाइटल भी मेरा साथ साथ आए, तो कैसे लेते हैं? तो एक फंक्शन आपने सी में भी पढ़ा होगा गेट्स, ठीक है, गेट्स से लेते हैं। तो इसके लिए गेट्स फंक्शन होता किस में है? यस, हैस इंक्लूड stdio.h, तो मैं उसे इंक्लूड करूंगा, बट अभी मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मुझे देखना है कि क्या कोई इरर आता है अभी इस फंक्शन का मैं यूज करूंगा। ओके, तो लिखने का तरीका गेट्स, उसके बाद वेरिएबल नेम क्या है, नेम name. ओके, अब उसमें एज लेना है तो सी इन से लेता हूँ, ये सी इन से मैंने एज लिया। मैं यहाँ पे स्क्रीन पॉज करके कर रहा हूँ कि आपका टाइम बचे। सी इन से एज लिया, मैं सब कुछ इनपुट ले लिया हूँ, अब मुझे शो करना है, ठीक है। तो मुझे शो का फंक्शन स्टेप से मैं बनाता हूँ, आप इसे देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, void, उसके बाद क्या लिखना है, यस स्टूडेंट क्लास नेम, उसके बाद क्या लगाना है, स्कोर पर्सन ऑपरेटर, बिल्कुल सही, उसके बाद क्या लगाना है, फंक्शन नेम, सेकेंड फंक्शन नेम क्या है, शो, show लगाया और इसे डिफाइन करा, मुझे तीनों चीज़ दिखाना है, तीनों को बस आप सी आउट से दिखा दो, मैं स्क्रीन पॉज कर रहा हूँ। हमने यहाँ शो को भी डिफाइन कर लिया, ठीक है, रोल यहाँ दिया, नेम दिया और एज दिया, इस टाइप से ये आउटपुट भी मेरा दिखेगा। अब मुझे बस ये मेरा काम बची जाए क्या, मेन बनाना, मैं अब मेन को बनाने जा रहा हूँ। मेन को बनाने के लिए मैं लिख रहा हूँ इंट मेन, क्लियर स्क्रीन लगाए, क्लियर स्क्रीन लगा लिया मैं, उसके बाद मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, क्लास का नेम क्या है, मेरा स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सिंपली, मैं ओबीजे ही नाम देता हूँ ऑब्जेक्ट का। अब मुझे क्या करना है, अपने फंक्शन को कॉल करना है, मैं अब कॉल कर रहा हूँ ओबीजे डॉट गेट, ये कैसे होता है मैंने बताया था पिछले क्लास में, कैसे कॉल होता है, क्लास कैसा होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर नहीं पता था पहले आप उस वीडियो को देख लें, मेरे क्लास ऑब्जेक्ट वाले वीडियो को। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, फिर से क्या मुझे शो करना है, तो ओबीजे डॉट शो, दो फंक्शन को बनाया था मैं, उस दो फंक्शन को यहाँ कॉल कर लिया ऑब्जेक्ट की सहायता से। अब मैं गेट फॉर स्क्रीन होल्ड अनलेस वी टेक ए कैरेक्टर, आपको पता है जब तक कोई कैरेक्टर नहीं तब तक ये स्क्रीन को होल्ड करने का काम करता है। सॉरी यहाँ पे ये क्यों लग गया, कर बैक ब्रेसेस, चलिए हो गया। हाँ एक चीज़ और मैं छूट गया था, वो रिटर्न, क्योंकि इंट मेन लिखा है तो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न जीरो। चलिए मेरा ये कोड बन के तैयार हो गया। मैं यहाँ स्क्रीन पॉज पॉज करके बहुत जगह लिखा हूँ, तो एक बार आप पूरे कोड को एक बार देख लें। यहाँ मैंने स्टूडेंट का क्लास बनाया, इसमें प्राइवेट में वेरिएबल ले लिए अपने, पब्लिक में दो फंक्शन को बस डिक्लेयर किया, इसे मुझे क्लास के बाहर करना था, इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, इसको ऑपरेशन ऑपरेट से कैसे डिफाइन करते हैं। यहाँ देखिए मैंने फ्लैट डिफाइन किया है, तो यहाँ पर डिफाइन करने का तरीका जो बता चुका हूँ आपको। उसके बाद किस तरीके से मैंने इनपुट लिया है, तो मुझे एक चीज़ और आपको नोटिस करना है, मैंने यहाँ गेट से लिया था नेम को, पूरा नाम मुझे लेना है अभिषेक और सिन्हा को, इसलिए मैंने लिया। सेकेंड फंक्शन को भी इसी से मैं डिफाइन किया आउटपुट के लिए, आपके सामने है, आप स्क्रीन पॉज भी करके इसे देख सकते हैं, और मेन को मैं इस टाइप से बनाया अपना। अब मैं इसे रन करूँगा तो आप बताइए क्या कोई एरर आएगा, चलिए मैं रन करके दिखाता हूँ। पहले आपको कंपाइल करता हूँ, चलिए कंपाइल किया, देखिए एक एरर, मैंने बताया था एरर आएगा, एरर देखिए क्या बोला, फंक्शन गेट्स शुड हैव ए प्रोटोटाइप, फंक्शन गेट्स के बारे में बोला एक प्रोटोटाइप होना चाहिए। तो प्रोटोटाइप, क्योंकि मैंने बताया था गेट्स फंक्शन किस में होता है, stdio.h में, तो मुझे एक हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ेगा, कौन सा, हैस इंक्लूड stdio.h। अब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कंपाइल करता हूँ, नो एरर एंड नो वार्निंग, रन करता हूँ, स्क्रीन सामने आपके रोल नंबर मांग रहा है, चलिए मैं रोल नंबर दे रहा हूँ 100 रोल नंबर, नेम डाल रहा तो मैं खुद ही का नाम डाल रहा हूँ अभिषेक सिन्हा, चलिए आई कैपिटल हो गया, कोई बात नहीं। और क्या एज, एज डाल रहा हूँ मैं 19, ओके सपोज 19 डाला, इंटर, देखिए रोल बता रहा है और 100, नेम बता रहा है अभिषेक सिन्हा, एज बता रहा है 19। तो इस तरीके से हमने देखा कि फंक्शंस को क्लास के बाहर कैसे बनाते हैं। ओके, तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट से क्लियर है कि क्लास ऑब्जेक्ट जो हम इसका वीडियो पहले बनाए थे, लेकिन आज का जो टॉपिक था हमारा समझना, वो था स्कोप रिलेशन से।
फंक्शन को कैसे, मेंबर फंक्शन को कैसे बाहर बनाना उसे मैंने समझाया। तो आई थिंक आप पूरा क्लियर है। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी कोडिंग।